लोकसभा चुनाव के दौरान जहां चुनाव आयोग जगह जगह छापेमारी कर काले धन को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं सोशल मीडिया पर नकदी के साथ कार की कुछ तस्वीरों के साथ एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के सांगली से बीजेपी विधायक सुधीर गाडगिल की कार से 20,000 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पड़ताल में पाया कि वायरल हो रहा दावा भ्रामक है। दोनों तस्वीरें पुरानी हैं और अलग अलग मौकों की है। इस पोस्ट का आर्काइव वर्जन दिखाया जा रहा है। फेसबुक पेज कांग्रेस समर्थक ने ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा के विधायक सुधीर गाडगिल की कार से 20,000 करोड़ की नई करेंसी पकड़ी गई है। ये खबर आग की तरह फैला दो, क्योंकि अपने भारत की मीडिया में ये दिखाने की औकात नहीं है। पोस्ट को इस तरह लिखा गया ताकि यूजर्स को ये यकीन दिलाया जा सके कि ये घटना ताज़ा है। फेसबुक यूजर सुनील कुमार शकरार और हरि मंडिया कॉमरेडे ने भी ये तस्वीरें पोस्ट की थी, जिसे अब तक 1 लाख से ज़्यादा बार तक शेयर किया जा चुका है। इस तस्वीर में सड़क किनारे सिविल वर्दी में 5 लोग एक पुलिसकर्मी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं और उनके पीछे कार में कुछ प्लास्टिक के बोरे दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर हमने पाया कि ये वाक्या नवंबर 2016 में हुआ था, जब महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के इलेक्शन स्क्वाड ने एक गाड़ी से 6 करोड़ कैश बरामद किया था। कथित रूप से ये नकदी सांगली स्थित एक अर्बन को ऑपरेटिंग बैंक की थी। रिपोर्ट्स और बैंक की वेबसाइट के अनुसार सुधीर गाडगिल का भाई गणेश गाडगिल इस बैंक का चेयरमैन है। ये वाक्य 8 नवंबर 2016 को हुई नोटबंदी की घोषणा के कुछ दिन बाद का है। अधिकारियों के अनुसार कार से 60,000 नोट 100 रुपये के, 88,000 नोट 500 रुपये के और 10,000 नोट 1,000 रुपये के बरामद किए गए थे। उस समय कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। तस्वीर में कार्डबोर्ड के बक्सों में 200, 500 और 2,000 रुपये के नए नोटों की गड्डियां दिखाई दे रही है। पड़ताल में हमने पाया कि ये तस्वीर नवंबर 2017 की है, यानी सांगली में कैश पकड़े जाने की घटना के करीब 10 साल बाद की है। आयकर विभाग ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के दलाल संजय गुप्ता के दिल्ली स्थित घर पर छापा मारा था और करीब 11 करोड़ रुपए बरामद किए थे। द टाइम्स नाउ ऑफ इंडिया सहित कई मीडिया संस्थानों ने वायरल हो रही इस तस्वीर के साथ यह खबर प्रकाशित की थी। पड़ताल में यह स्पष्ट हुआ कि वायरल हो रही दोनों तस्वीरें कैश बरामदी की तो है, लेकिन दोनों अलग अलग घटनाओं की और इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है।